नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि जन कारवां एक ऐसा मंच है जिसके जरिए IBC 24 हर एक जिलों में जाता है, हर एक क्षेत्र में जाता है, वहाँ की स्थानीय समस्याओं को उठाने का प्रयास करता है, स्थानीय मुद्दों को जानने का प्रयास करता है। और चूंकि चुनावी साल है और ये वक्त आ गया है ये जानने का कि यहाँ पूरे क्षेत्र में, क्षेत्र के जो लोगों ने जनप्रतिनिधियों को चुना था, विकास की जो जिम्मेदारी क्षेत्र के लोगों ने जनप्रतिनिधियों को दी थी, उन जिम्मेदारियों पे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितने खरे उतरे हैं। तो आज के जन कारवां में हम ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से यहाँ के विकास के मुद्दों पर बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़, जिसको भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, एक ओर छत्तीसगढ़ सरकार ने भगवान श्री राम के पथ को, जहाँ पर भगवान श्री राम ने वनवास काल का एक लंबा समय बिताया है, उस पथ को संवारने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उठाई है, तो वहीं दूसरी ओर IBC 24 उन्हीं रास्तों पर, भगवान श्री राम के रास्तों पर चलते हुए ये जानने का प्रयास कर रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने और साथ ही साथ यहाँ की जनता ने सुराज का जो सपना देखा था वो सपना कितना पूरा हो पाया है, क्षेत्र में कितने विकास हो पाए हैं, जो दावे किए जाते हैं विकास के, उन दावों में कितनी सच्चाई है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ की गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ की जनता यहाँ पे मौजूद है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन जनप्रतिनिधियों के कंधों पर विकास की जिम्मेदारी यहाँ की जनता ने सौंपी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो जाहिर तौर पर उन सभी से हम सवाल करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपने आप को, अपने आप का आकलन वो कितना करते हैं, और चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो क्या लगता है कि वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं। लेकिन इसके पहले आपको मैं बता दूं कि IBC 24 जन सरोकार के तहत एक मुहिम चला रहा है। आने वाले समय में चूंकि विधानसभा चुनाव है तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 100% मतदान हो, और हम लगातार अपने मन से लोगों को अपील करते हैं कि वो मतदान जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग एक शपथ जरूर लें कि इस बार चुनाव में 100% मतदान करेंगे। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, और शपथ ग्रहण करने के बाद हम विधिवत तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और शपथ ग्रहण करने के पूर्व अपना दाहिना हाथ आगे जरूर करेंगे जब मैं आपको कहूँ, उसके बाद फिर हम शपथ लेंगे। अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे, आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे, हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि जाति धर्म और संप्रदाय से परे हटकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करेंगे, दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद, बैठ सकते हैं आप सभी लोग। तो जन कारवां का मंच आज रायगढ़ में है, और रायगढ़ के कमला नेहरू पार्क में हम मौजूद हैं, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि गणमान्य जनता यहाँ पे मौजूद है, और सीधे सीधे हम जनता से भी यहाँ के मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको रायगढ़ जिले के बारे में आपको बता दूं, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, और अगर पिछले चुनाव के नतीजे की बात करें तो पिछले चुनाव में सभी 8 सीटों पर यहाँ की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। रायगढ़ जिले की बात करें, रायगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद जब रायगढ़ से सारंगढ़ अलग हुआ है तो फिलहाल 4 विधानसभा सीटें जो है वो रायगढ़ जिले में हैं, और इन चारों सीटों पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं, और पिछले चुनाव में जो नतीजे थे वो भी अप्रत्याशित थे, यानी कि जनता ने झोली भर भर कर वोट यहाँ के नेताओं को दिया, कांग्रेस के नेताओं को दिया। चूंकि सरकार कांग्रेस की है, विधायक कांग्रेस के हैं, जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन 4.5 सालों के कार्यकाल में वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, जो वादे उन्होंने जनता से किए थे चुनाव जीतने के पहले, क्या उन वादों को उन्होंने पूरा किया है। तो सबसे पहले स्थानीय विधायक प्रकाश नायक जी यहाँ पे मौजूद हैं, सीधा सवाल विधायक जी, 4.5 सालों के कार्यकाल में अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? जी, हमने रायगढ़ विधानसभा के लिए जो वादे किए थे सब वादे में हमने खड़े उतरे हैं, और सारे वादे हमने पूरा किया है, और हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, उन्होंने जितने वादे किए थे जनता के साथ में, लगभग सभी वादे हमने पूरे किए हैं। और आज किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे निम्न वर्गीय हो, चाहे नौकरी पेशा हो, सभी के लिए हमने काम किया है, और हमारी सरकार अपनी वादे पर खरा उतरी है। चलिए, सभी वर्ग के लिए हमने काम किया है, दावा किया जा रहा है। मेयर जानकी काटजू जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप 4.5 सालों के कार्यकाल में कांग्रेस को लेकर? जी नमस्कार। हमारे राज्य की सरकार ने जितने भी वादा किए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं, और रही हर वर्ग के लिए काम किया है, और आने वाला समय में भी जनता कांग्रेस को ही चुनेंगे। क्या कहेंगी अगर 4.5 सालों के कार्यों की बात करें, जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला जी कांग्रेस के? लगातार कांग्रेस की सरकार विकास कार्यों में जुटी हुई है, और बड़े गर्व की बात है कि स्थानीय विधायक और महापौर
लगातार रायगढ़ के विकास के लिए भिड़े हुए हैं। इस रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में या रायगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां विकास की गंगा न पहुंची हो। रायगढ़ के जो इंटीरियर वार्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नालियां बजबजाती थी, कच्ची रोडें थी, माननीय विधायक और महापौर के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल में 100 करोड़ रुपए देकर पूरे हर जगह नाली, रोड, सफाई, हर मुद्दे पे काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी उंगली उठाने की स्थिति में नहीं है, भले ही वो झूठे बयानबाजी कुछ भी करे। जवाब लेंगे इसका सभापति जयंत टेटवार जी भी हैं, क्या कहेंगे? यहाँ तो विकास की बयार भाई है छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है। भूपेश सरकार के जो कार्य हैं, जन कल्याणकारी जितने कार्य हैं, उसमें निसंदेह आप देख सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ी है, मजदूरों की आय बढ़ी है, महिलाओं की आय बढ़ी है, और जो तेंदु संग्राहक हैं उनकी भी आय बढ़ी है। और यदि अन्य क्षेत्र में लेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लेंगे, तो आप तो स्वास्थ्य में आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे हाट बाजार के नाम से ये योजना जो है लाभ मिल रहा है, शहरी क्षेत्र में श्रम योजना के नाम से लाभ मिल रहा है, और कोरोना के समय भी सरकार ने अच्छी सेवा की है, महतारी योजना के नाम से आज भी कोरोना पीड़ित परिवारों को लाभ मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल है उसको भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत आगे बढ़ाया है, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ के जो खेल है उसको आगे बढ़ाया है। और एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृति को लेके आज पूरे भारत में छत्तीसगढ़ सरकार एक पहचान बना रखी है, पुरानी परंपरा को आज पुनर्जीवित किए है। क्या कहेंगे, सारा विकास तो रायगढ़ में हुआ है, कांग्रेस का यह दावा है, क्या लगता है? रायगढ़ जिले में 4 विधायक कांग्रेस के, महापौर कांग्रेस की, सभापति कांग्रेस के, कांग्रेस के पार्षदों का बहुमत और कांग्रेस का विकास पूरी तरह से ढप। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो काम हुआ है उसको अपना श्रेय ले रहे हैं ये लोग। आज जब इस मंच में आए हैं, IBC का जन कारवा मंच पूरा छत्तीसगढ़ देखता है। आदरणीय प्रकाश नायक जी को शर्म करना चाहिए कि इस प्रकार से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को शर्म करना चाहिए कि पूरे प्रदेश को धोखे में रख रहे हैं, रायगढ़ को धोखे में रख रहे हैं। रायगढ़ जिला के लिए और रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के लिए क्या वादा किया था उन्होंने? उन्होंने वादा किया था, घोषणा पत्र नहीं लाए हैं तो हम लोग लेके आए हैं। हम घोषणा पत्र, उनके घोषणा पत्र को हम उनको अवगत करा देंगे। कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, संजय कॉम्प्लेक्स को 2.5 साल हो गए मुख्यमंत्री जी के पैसे दिए जाने के बाद, संजय कॉम्प्लेक्स जस का तस है। अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि नगर की साफ सफाई व्यवस्था, नगर को डंपिंग यार्ड बना दिए हैं कचरों का। आज रामपुर का डंपिंग यार्ड हटा, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज हम देखते हैं तो सब पूरा रायगढ़ नगर वासियों का चेहरा ढंग से, 100 करोड़ रुपए अध्यक्ष जी बोलते हैं, 100 करोड़ रुपए का विकास कार्य, 100 करोड़ रुपए का हिसाब रायगढ़ नगर और रायगढ़ जिला मांग रहा है, किसके खाते में चला गया? जवाब मांगेंगे, 100 करोड़ का हिसाब मांगेंगे, क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि सारा विकास नहीं हुआ है। मेरे हाथ में एक कागज है, इसको शायद प्रकाश नायक जी और कांग्रेस भूल गई होगी। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में 23 बिंदु है। प्रकाश नायक जी, आज मैं चैलेंज करता हूं कि ये घोषणा पत्र जो इनका है इसमें से कोई भी 5 बिंदु, विधायक जी तैयार रहेंगे आपके पास आऊंगा मैं, बिंदु ये बता दें कि इस घोषणा पत्र का उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने न केवल रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के, रायगढ़ विधानसभा के लिए, बल्कि लोइंग क्षेत्र के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया था, अलग अलग मंडलों में इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था। कोई भी घोषणा पत्र उन्होंने पूरा किया है तो दावा कर रहे हैं इस बात का, मैं ये कागज लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा था कि रायगढ़ जिले में शासकीय BEd कॉलेज बनेगा, कहां है BEd कॉलेज? इन्होंने कहा था संगीत विद्यालय बनेगा, कहां है संगीत विद्यालय? इन्होंने कहा था नजूल पट्टा पे आवास बनेगा, कहां है आवास? इन्होंने कहा था 25 सड़कों का रिंग रोड बनेगा, कहां है रिंग रोड? चलिए चलिए, ये घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र को BJP लेकर आई है। सीधा सवाल विधायक जी, के घोषणा पत्र के 23 बिंदु है और इन 23 बिंदुओं पे काम क्यों नहीं हुआ, क्या कहेंगे? सारे घोषणा पर काम हुआ है, इनका जो आरोप है ये असत्य है। हमने ROV कोतारो ROV ब्रिज बनवाया, हमने शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना कराई। ये लोग जो 15 साल से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को स्थापित नहीं कर पा रहे थे उसको हमने चालू कराया। सारे काम चाहे शहर में हो, सारे काम हमने कराए हैं।
इनका आरोप असत्य है। क्या 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 कहेंगे जो आरोप बार बार बीजेपी लगा रही है, घोषणा पत्र पूरे नहीं होने के बाद कही जा रही है। एक घोषणा पत्र मेरा भी है 2009 का, जब इन्होंने नगर निगम चुनाव लड़ा था, इन्होंने भी जो है 25 घोषणाएं करी थी, 25 में 5 पूरी नहीं कर पाए। इसमें संजय कॉम्प्लेक्स का मुद्दा भी है। यह संजय कॉम्प्लेक्स को जब 3 कार्यकाल तक इनकी सरकार रही, इन्होंने 5 पैसा लेके नहीं आया और न उसका नक्शा बना पाए लोग। आज हमारे मुख्यमंत्री ने उसके लिए 14 करोड़ रुपए दिए हैं और आज नहीं तो कल हमारा संजय कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होगा और जनता को हम लोग सुपुर्द करेंगे उसको। यही तो जनता पूछ रही है कि संजय कॉम्प्लेक्स कब बनेगा। 2 साल हो गए, 14 करोड़ रुपए सीएम ने दिए हैं लेकिन संजय कॉम्प्लेक्स बन नहीं पा रहा। एक बड़ी बात, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बोल रहे हैं कि 2009 में भी वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, क्यों ये बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती है, क्यों विकास वहीं का वहीं रह जाता है? नहीं, अभी एक दूसरे पर आरोप की तो बात ही नहीं है। अभी हमारे आलोक जी ने कहा कि उनके घोषणा पत्र में 23 बिंदु थे और आदरणीय प्रकाश नायक जो यहाँ से विधायक हैं, कम से कम 5 बिंदु तो बताएं कि मांग उन्होंने पूरी किए, उसका स्पष्ट जवाब नहीं। अर्थात वो स्वीकार कर रहे हैं कि इनका घोषणा पत्र जो था नकली था। उदाहरण के रूप में 2-3 छोटी छोटी बात बताऊँ। बगल में एक केलो विहार कॉलोनी है, इनके घोषणा पत्र में उल्लेख है कि उसको प्रीमियम वगैरह सब जो है नियमितकरण करवाएंगे, कोई काम नहीं हुआ। बगल में महापाली में बटबुल कॉलेज है, लोइंग के लिए जो आदरणीय प्रकाश नायक ने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया था, उसका प्रथम बिंदु है कि बटमूल कॉलेज का शासकीयकरण करवाएंगे, पहला बिंदु। वो पहला ही बिंदु उठाए था फिर, अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। शासकीयकरण कराना तो दूर, मैं बोलता हूँ भूपेश जी माननीय मुख्यमंत्री, 5 साल में 5 बार से ज्यादा बार रायगढ़ आए, हर साल गणेश उत्सव होता है, वहाँ आदरणीय प्रकाश नायक भी रहते हैं, कभी एक बार भी ने भूपेश बघेल जी को याद दिलाया कि बटमूल कॉलेज का शासकीकरण किया जाना चाहिए? अरे याद भी दिलाया होते, बताए कि नहीं याद दिलाया? इसका जवाब हम लेंगे। कुछ और सवाल लेते हैं, क्या कहेंगे विकास की बात जो कही जा रही है रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र को, रायगढ़ जिले को लेकर? देखिए, मैं पहले ही बता, हमारे साथी लोग बता चुके हैं घोषणा पत्र का क्या अस्त्र हुआ है। घोषणा पत्र बनाते समय ये रायगढ़ की जनता को पूरा बेवकूफ समझ करके, लेकिन जनता को ध्यान में है, घोषणा पत्र जनता के हाथ में है। गलती से आप 4.5 साल पहले विधायक बन गए, इसका मतलब यह नहीं कि आप जनता को बेवकूफ बनाओगे। आज रायगढ़ में चारों तरफ कांग्रेसी गुंडों का गुंडागर्दी, सारे हम पूरा शहर देख रहे हैं जिस प्रकार से गली गली में कांग्रेस के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक आरोप और लगाना चाहता हूँ, आज कलेक्टर चल जाइए कांग्रेस के माध्यम से, वहां सारे आम भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसी भी भाग में आप चले जाइए, कांग्रेस के लोगों के माध्यम से अवैध शराब की बिक्री मोहल्ले मोहल्ले में हो रही है, कांग्रेस के लोगों के माध्यम से लोगों के घरों में कब्जा करवाया जा रहा है, खुले आम गुंडागर्दी प्रकाश नायक के संरक्षण में हो रहा है। बड़े आरोप है, बड़ा आरोप है, उसका जवाब मुझे लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा आरोप है जिसका जवाब मुझे लगता है कि लेना चाहिए। ये बात कही जा रही है कि बटमूल कॉलेज, जिसके शासकीयकरण की बात आपने कही थी, आपने वादा किया था कि बटमूल कॉलेज का शासकीयकरण होगा, ये सीधा आरोप पूर्व विधायक ने लगाया है कि आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया। ये भी आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, शराब बिक्री हो रही है अवैध, क्या कहेंगे? अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री लोहिंग आए थे तो मैंने उनसे भरे मंच में मांग किया था कि बटमूल कॉलेज का शासकीयकरण होना चाहिए और मैंने पत्र भी लिखा है, प्रक्रिया दिन है, बहुत जल्द होता नहीं है, प्रक्रिया में है, बहुत जल्द होगा। चलिए, प्रक्रिया में है, शासकीयकरण बहुत जल्द होगा। कुछ और सवाल लेते हैं पीछे युवाओं से, क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं एक बता रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट, अगर किसानों की बात कर रहे हैं प्रकाश नायक विधायक जी, वर्मी कंपोस्ट आज हर 10 क्विंटल पे 1 क्विंटल, 10 क्विंटल धान पे 1 क्विंटल ले रहा है, जो कि अलिखित है। सबसे पहले रायगढ़ विधायक इस बात का जवाब दे, वर्मी कंपोस्ट क्यों ले रहे हैं जबरदस्त, क्या कहेंगे? इनकी बूते काम करने के नहीं है, काम तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। पिछला भी जो कार्य हुआ है वो दिखाने के लायक है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस जिले में काम की है, इस विधानसभा में काम की है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी, कांग्रेस की बूते की बात नहीं काम करने की। कुछ और मुद्दे लेते हैं जी, बताइए। जैसा माननीय विधायक जी अभी बोल रहे हैं रायगढ़ में आरोपी के बारे में, आप पूरी जनता भी जान रही है और पत्रकार बंधु भी जान रहे हैं, आरोपी का जो श्रेय लेना चाहते हैं उनको सर माननी चाहिए कि वो तो रोशन लाल अग्रवाल के कार्यकाल के समय में स्वीकृति हुआ था, कार्य चालू हुआ था, इस पर जवाब लेंगे जी, बताइए। देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मौसेरे भाई हैं और आरोप प्रत्यारोप लोग आकर के केवल अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। सबसे ज्यादा त्रस्त है आज के डेट में किसान,
खासकर हमारे रायगढ़ विधानसभा की अगर बात करें, पूर्वांचल के किसान जो है उनकी जमीन उद्योगों के लिए चली गई, लेकिन वहाँ उद्योग नहीं लगे। आज ना वो अपनी जमीन पर खेती कर सकते, ना उनको रोजगार मिला। इसके लिए शिवसेना ने पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आवेदन दिया था, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया है। कुछ और मुद्दे हैं जिनसे हम बात जी बताइए जी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के 4.5 साल के शासन काल में सबसे बड़े भ्रष्टाचार, कांग्रेस से शासन काल दूसरा 2023 चुनाव क्या वोट मांगेगी मैं बता रहा हूँ। सोम्या चौरसिया जी के नाम में, सूर्यकांत तिवारी जी के नाम में जितने भ्रष्टाचार है, रायगढ़ के जितने कोल माफियाओं है उनके भ्रष्टाचार के नाम में ये 2024। रायगढ़ में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, रायगढ़ में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, ये विडंबना कही जाएगी कि जिस जिले में बड़ी पैमाने पे उद्योग है उस जिले में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो काफी चिंताजनक। विधायक जी, एक बड़ा सवाल जो बार बार जनता पूछती है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए क्यों सरकार प्रयास नहीं कर रही है? कांग्रेस सरकार में लगातार शिक्षकों की भर्तियां हुई है, लगातार प्रोफेसर की भर्ती हुई है, लगातार पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि केंद्र सरकार 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का बात किया था, उसका क्या हुआ, उसके जवाब दें। वो पिछले 9 वर्षों में रायगढ़ की सांसद, 27 सालों से भाजपा का सांसद है, यहाँ पे क्या काम किया अभी तक उन्होंने? सवाल लेंगे, ज्वलंत सवाल है। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लगातार बीजेपी की सांसद रही है, उसके बावजूद कोई बड़ा विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है, ये कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है। मैं स्थानीय विधायक से पहले भी पूछ चुका हूँ, आज फिर पूछ रहा हूँ कि रायगढ़ पूछता है कि कोई भी एक काम 4.5 साल का बताए वो कि उन्होंने क्या काम आज तक किया है। दुर्भाग्य है रायगढ़ का कि ऐसा विधायक रायगढ़ को मिला है, दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि उसको ऐसा नेता मिला है कि जिसके कहने से, जिसके कामों से कांग्रेस कार्यकर्ता, रायगढ़ शहर, सभी लोग शर्मिंदा है। स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं, विकास की बात कर रहे हैं, क्या लगता है अगर 4.5 सालों के कार्यों की बात करें, क्या लगता है रायगढ़ को कहां पाते हैं आप? अगर रायगढ़ के जो विधायक हैं माननीय प्रकाश नायक जी अपने कार्यकाल में कोई एक ऐसा काम बता दे जिसको हम मिसाल के तौर पे दे सके, जैसे भाजपा ने मेडिकल कॉलेज बनाया, आरओबी बनाया, एसटीपी बनाया, केलो नदी में एसटीपी बनाया, केलो डैम बनाया, एक काम प्रकाश नायक बताएं। और मैं बोलता हूँ, इन्होंने कहा था हर ब्लॉक में एक फूड पार्क बनाएंगे, पूरे रायगढ़ विधानसभा प्रदेश में 200 फूड पार्क बनाएंगे, एक फूड पार्क बनाया बताया जो विधायक प्रकाश नायक जवाब लेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पहले कुछ और सवाल ले लेते हैं, क्या कहेंगे अगर 4.5 साल का जो विकास के दावों की बात कर रही है सरकार, क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऊंची आवाज करके आप अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकते, बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ के विधायक महोदय से ये सीधा सवाल करूंगी कि वो मुझे ऐसी 5 उपलब्धियां बताएं जिसमें केंद्र सरकार का कोई भी सहयोग ना हो, ऐसे वो 5 उपलब्धियां हमें बताएं। देखिए, एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है इसका जवाब मिलना चाहिए। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि विधायक जी 5 बड़ी उपलब्धियां बताएं जिसमें केंद्र का सहयोग ना हो। आरओबी की अभी मैं बात किया, मैं आरओबी को पैसा हमने दिलाया, आरओबी का निर्माण कार्य हमने कराया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना जोगी जी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, अगर आप उस समय शुरू हुई थी और जोगी जी के कार्यकाल में शुरू हुई, 15 साल तक ये लोग कोई काम नहीं कर सके, 15 साल बाद जब हमारी शासन आई है तब हमने उसको स्थापना कर चालू कराया है। आत्मानंद स्कूल पूरे प्रदेश में हमने खोले हैं, विपक्ष के लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, खुद सारा काम अभी हो रहे हैं, शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय उसका स्थापना हमने कराया, सारा काम तो हमने कराया, लोगों के पास है क्या? बिल्कुल, 2 बड़ी उपलब्धियां तो है जो बता रहे हैं जी, कहेंगे। मैं गुरपाल भल्ला जी जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको शर्म आना चाहिए, वो विकास कार्य पूछते हैं। हमने जगह जगह विकास कार्यों की सूची लगाई थी, जिसके लिए आप कैलकुलेटर लगा था, आपको सारे जगह लगा था, हमारे हर क्षेत्र में जो विकास कार्य माननीय विधायक जी के द्वारा किए गए हैं उसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता। क्या कहेंगे जो आरोप लगा, ये भाजपा की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत है। इनके पास ना तो मुद्दा है, ना इनके पास कोई बात है विकास की बात,
अगर हो रही है तो सबसे पहले तो भाजपा को अपनी ओर आईना देखना चाहिए कि 15 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो भ्रष्टाचार के माध्यम से भट्टा बैठाया था उसको आज भूपेश बघेल की सरकार ने, हमारे स्थानीय विधायक प्रकाश नायक ने विकास की गंगा बहाई है, युवाओं को यहाँ रोजगार मिला है और आज जो भी गोठान को ले लो, चाहे किसानों के धान खरीदी को ले लो, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ का किसान इस बात के लिए खुशहाल है कि आज 2800 रुपए के समर्थन मूल्य में। स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, कुछ पीछे युवा हैं उनसे भी हम सवाल लेते हैं, क्या कहेंगे जी? भैया हमने ये कहना चाहेंगे कि हमने ये तो चुनाव के समय में राम भगवान को याद करते हैं, हमने तो राज्य अंतरराज्य देश विदेश में रायगढ़ को और भगवान प्रभु श्री राम को पूरे देश विदेश में पहचान दिलाया है। क्या लगता है क्या भगवान श्री राम के बहाने कांग्रेस वैतरणी प्रयास करने की कोशिश कर रही है? जान रहे हैं कि कौन चुनाव के समय भगवान श्री राम जी को याद करते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के सिद्धांत से चलेंगे कि उनके पिताजी के सिद्धांत से चलेंगे, इस बात का जवाब दें। इसीलिए अपने पापा को उन्होंने, भूपेश बघेल ने जेल भिजवाया था कि रामचंद्र जी को उन्होंने गाली दिया था और हिंदू धर्म के ऊपर में उन्होंने आरोप लगाया था, ब्राह्मणों के ऊपर में आरोप लगाया था। और मैं ऐसे कांग्रेस की सरकार, भ्रष्ट सरकार का मुर्दाबाद करना चाहूंगी जिनको गद्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत हमारी महिला मोर्चा के तरफ से उनको बोलना चाहूंगी कि वो इस्तीफा दे और तुरंत इस्तीफा दे। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी जी बताइए। कांग्रेस सरकार ने तो अभी तक कुछ काम नहीं किया है, सभी को ठगा है। नशा को पूरा खत्म करेंगे बोले थे, मगर अभी जाकर देखिए घर घर नशा बिक रहा है। अभी के डेट में हर महिला त्रस्त हो रहा है, छोटे बच्चे हैं, वो अभी छोटे बच्चे जो बोलना नहीं जानते हैं मगर नशा अभी तक कर रहे हैं। तो चलिए और लोग हैं उनसे भी हम सवाल लेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। जो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं विकास के, ये कह रहे हैं कि सारी योजनाएं तो हमने की है, केंद्र की योजनाओं का तो ज़्यादा कोई हाल है नहीं, यहाँ पे क्या कहेंगे? केंद्र की यदि जहाँ तक ये बात करते हैं, अभी हमारे कांग्रेसी सांसद ने कहा, मित्र ने कहा कि 27 साल से यहाँ पे भाजपा के सांसद चुनते आ रहे हैं, या यहाँ की जनता बेवकूफ़ थी जो आज तक 27 साल तक उनको चुनते आ रही है? एक सवाल इन्होंने ये भी किया है कि क्या कुछ किया है सांसद ने, इसका मतलब यह है कि जनता उनको वोट दे रही है, काम कर रही है सांसद हमारी, इसके पूर्व हमारे सांसद लोग काम करते हैं इसलिए उन्हें चुना जाता है। बड़ा मुद्दा है सिटीजन। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, कांग्रेस के साथियों से, कि आदरणीय प्रकाश नायक जी, महापौर जी, सभापति जी, इस बात को बता दें कि रायगढ़ के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें गरीबों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलता, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए जमीन की उपलब्धता न होने की वजह से वो सेंटर आज वापस चले गई। एक बड़ा मुद्दा जिसका मैं जवाब लूंगा, इसके पहले कुछ और सवाल लेते हैं, मैं इसका जवाब मेयर से लूंगा जी। भाजपा जो है 15 साल मलाई खा करके कुंभकर्णी निंद्रा में 4.5 साल सोई थी, आज चुनाव आ रहा है तो ये मीडिया के सामने आकर के चिल्ला के अपने आप को बता रहे हैं कि हम जीवित हैं। ये कुंभकर्णी निंद्रा से जाग जाए और जवाब दे, ये वोट के लिए आज हल्ला कर रहे हैं। अगर इनको क्षेत्र की जनता की चिंता थी तो आज तक सोए क्यों थे? भाजपा वोट के लिए हल्ला कर रही है, बड़ा आरोप है, जवाब लेंगे जी। देखिए भाजपा के पास कोई काम नहीं रहा और वो मुद्दाविहीन हो चुकी है। ये लोग हमेशा एक ही बात को बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज की नींव हमने रखी। मैं बताना चाहूँगा वो मेडिकल कॉलेज आसिकी का अड्डा था, उसे कांग्रेस ने ही प्रेजेंट में लाया है और उसमें इलाज हो रहा है, नहीं तो वहाँ आसिकी ही होती थी खाली। जी क्या कहेंगे जी? छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको 15 साल सेवा करने का मौका दिया, अब इनके पास कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, ना कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा विकास हो रहा है हमारी सरकार में, बहुत ज़्यादा विकास के दावे किए जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल आया है जिसका जवाब मैं जानना चाहूंगा। एक बड़ा आरोप लग रहा है कि सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसको राज्य सरकार ने सिर्फ इसलिए वापस ले लिया क्योंकि महापौर और सभापति के बीच आपसी खींचतान थी, उसकी वजह से जमीन तय नहीं हो पाई। उनका मुद्दा जो लगाया है बेबुनियाद है, आरोप लगाया है वो, क्योंकि जमीन हमारी पास ऑलरेडी रखी हुई है सिटी डायग्नोस्टिक के लिए, लेकिन वहीं से एजेंसी के द्वारा कोई भी काम नहीं करने के लिए, भाग नहीं लेने के कारण ही काम नहीं हो पाया। सिटी डायग्नोस्टिक लिए जगह हमारी पास है, शहर में जहां भी जरूरत है वहां हम सिटी डायग्नोस्टिक लगाएंगे, पर एजेंसी के द्वारा काम नहीं किया गया। क्यों विकास नहीं दिख रहा है? बीजेपी को बार बार आरोप लग रहा है कि सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। देखिए
मैं पहले अभी कई वक्ता ने बताया कि वास्तव में चुनाव की घड़ी है, इसलिए इनको विकास नहीं दिख रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, रायगढ़ नगर निगम में हमारे लोकप्रिय विधायक जी के मार्गदर्शन में 100 करोड़ रुपए की राशि आई है। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके कर भारतीय जनता पार्टी सभी पार्षदों के पार्षद निधि को बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने किया है। सभी पार्षदों में 8-8 लाख रुपए दिए हैं, 1 करोड़ का इन्होंने सामुदायिक भवन बनाया। और बता दूं, आत्मनंद हिंदी मीडियम लगभग 2 करोड़ की स्थापना हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हो रहा है। इनको कोई विकास दिखता नहीं है, केवल राम भगवान की बात करते हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने 15 साल छला, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया। क्या कहेंगे, आरोप लग रहे हैं विरोधी पार्टी को 15 से 20 का अंतर नहीं मालूम। 15 क्विंटल धान का 20 क्विंटल कर दिया गया, उसके बावजूद भी इनको सबक नहीं सीख रहे हैं लोग। जिस दिन 20 क्विंटल धान खरीदी होगी ना, ये जो झूठे लोग जो झूठे बोल बोल के जो काम कर रहे हैं, इनको सबक मिलेगा। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ कहना चाह रहे थे आप जी? मैं कांग्रेस से और माननीय विधायक जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि नंद कुमार पटेल जी की हत्या हुई थी और उसके बाद इसी भूपेश बघेल ने कहा था कि उसकी हत्या के सबूत मेरे जेब में है। आज 5 साल होने को आए, कांग्रेस बताए, विधायक बताएं, उमेश नंद कुमार पटेल बताएं कि उन्होंने आज तक वो सबूत जनता के सामने, कोर्ट के सामने, जांच टीम के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत की, और यदि नहीं प्रस्तुत की तो कांग्रेस ने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। एक बहुत गंभीर आरोप है जिसपे हम जवाब लेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ युवा पीछे मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए। 4.5 साल की बात है, बार बार लगातार कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि 4.5 साल में 2 साल हमने कोरोना की महामारी को झेला है। इस सरकार ने 15 सालों में कभी ऐसे महामारी देखी भी नहीं होगी। हम अपने सरकार की बात करते हैं, केवल अब राम को सिर्फ पर्सनल अपना भगवान मानते हैं। हमारे सीएम सरकार ने साबित कर दिया है कि ये डंका बजा दिया है इस रायगढ़ शहर। स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। जी आप कुछ कह रही थी, खड़े हो जाइए। भाजपा किसके हितैषी होने की बात करती है? भाजपा किसकी हितैषी होने की बात करती है? जनता की। वो जनता की हितैषी नहीं है। मैं आपको बता दूं, 15 साल वो यहाँ पर थी और मलाई का चाटी है। अब वो बताए कि उनको 15 साल मंदिरों की याद क्यों नहीं आई? गली मोहल्ले में एक भी मंदिर जाकर उन्होंने सुंदरकांड का पाठ नहीं किया, और आज एक एक गली और मोहल्ले में जाकर के एक एक मंदिरों को टारगेट बना रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी, अतिथि शिक्षकों की क्या हालत थी? जहां जहां आज भाजपा शासित राज्य है, वहां जाकर पूछिए आप उन शिक्षकों से क्या हालत। क्या भगवान राम वैतरणी पार करेंगे? सीधा सवाल है, इसका भी हम जवाब लेंगे। लेकिन इसके पहले एक बड़ा आरोप लगा है विपक्ष ने, एक बड़ा आरोप लगा है। एक बड़ी घटना हुई थी 10 साल पहले, झीरम घाटी हमला। इस मामले में जांच अब तक क्यों नहीं हो पाई है? क्यों जांच वहीं की वहीं अटकी हुई है? क्या कहेंगे? एक बड़ा आरोप लग रहा है इस मामले में, क्यों सरकार जो है न्याय नहीं दिला पाई? सरकार, इनकी सरकार के समय झीरम की घटना हुई थी जिसमें एनआईए की का गठन किया गया था, और उसमें सदन के पटल पर रिपोर्ट न प्रस्तुत करके राज्यपाल के पास सीधे अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये इनकी मंशा को कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि इनकी जब सरकार थी तो वो सीधे सदन के सामने उस रिपोर्ट को न पटल प्रस्तुत करके राज्यपाल के समक्ष पीछे दरवाजे से वो रिपोर्ट क्यों सौंपी। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। लगातार विपक्ष के लोग हैं, वो उत्साह देख सकते हैं सवालों को लेकर। आप सोचिए कि यहाँ की जनता कितनी जागरूक है। जी जी भैया, क्या कहेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर? 100 करोड़ पर बात कर रही है नगर पालिक निगम में, यहाँ पर महापौर बैठे हैं, सभापति जी बैठे हैं। कोई एक ऐसा योजना जिसके माध्यम से एक ईंटा रखा गया हो, किसी एक महान पुरुष के नाम से रखा गया हो और उस योजना का क्रियान्वयन हो गया हो, उसका भूमि पूजन के बाद लोकार्पण हो गया हो, 3.5 साल महापौर जी को हो गया, 4.5 साल विधायक जी को हो गया, ऐसा कोई 48 वार्डों में इन्होंने, जैसे हमने मंगल भवन योजना रखी, गौरवपथ रखा, हमने बहुत सारे 25 सड़कों का निर्माण किया, इनके पास ऐसे 100 करोड़ रुपए कहां इन्होंने खर्चा किया? एक बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छूट रहा है, रायगढ़ जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है सड़कों का। क्यों सड़कें जो है वो सरकार को नहीं दिखती? क्यों यहाँ के विधायकों को नहीं दिखती? क्यों मेयर को नहीं दिखती? क्या इन सड़कों पर ये भी तो गुजरते हैं ना? हाँ, वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है, और रायगढ़ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है।
पूरे पुराना रायगढ़ जो बसा है बहुत पुराना बसा हुआ है, कारें हैं लेकिन पार्किंग व्यवस्था 95% पास और कोई गैरेज नहीं है, तो इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। जी देखिए, जहां तक जो सड़क निर्माण भी हो रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश रायगढ़ सहित पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतर के आंदोलन की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे बनाएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करते रहे तब जाके सड़क बन पाया है। जो भी काम आज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी हर मामले में सड़क पर उतरी हुई है, चाहे गोठान का मामला हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, आज कहीं भी जो चीज स्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग आपस में नगर निगम में झगड़े में लिप्त है। महापौर का गुट अलग है, सभापति का गुट अलग है, विधायक का गुट अलग है, जिससे निश्चित रूप से रायगढ़ का विकास बाधित हो रहा है। गुटबाजी तो चरम पर, इस पर भी हम जवाब लेंगे। क्या लगता है, ये तो गोठान और गोसेवा की बात कर रहे हैं, गुटबाजी जो इनकी है वो साफ तौर पे रायगढ़ की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। आज इनका मुख्यमंत्री यहाँ पे है, विधायक जी इनके हैं, सभापति इनके हैं, महापौर इनकी है, तो इस हिसाब से तो रायगढ़ का चहुमुखी विकास हो जाना था, लेकिन अभी तक विकास के नाम पे ये शून्य है। यहाँ की जो गुटबाजी है, महापौर जी और सभापति जी के जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसका खामियाजा रायगढ़ की जनता भुगत रही है। मैं यहाँ पे विधायक जी का जो हस्तक्षेप है, जो नगर निगम में अति हस्तक्षेप करते हैं, जिसके वजह से कई विकास कार्य है, जिस विकास कार्यों के लिए राशि आई जाती है उसको अन्यंत्र खर्च कर। जी जी, माननीय विधायक जी बोलते हैं कि मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ, मैं ये बोलना पूछना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी ये बताए, केलो परियोजना के लिए, उनके नहर के निर्माण के लिए, सपने परियोजना के लिए 1 रुपए की राशि राज्य सरकार से क्यों आवंटित नहीं कराए? आज हम देख रहे हैं लल्लू सिंह इसीलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ के यहाँ बैठे हैं, केवल परियोजना के लिए, उसके मुआवजा के लिए, नहर के निर्माण के लिए 1 रुपए की राशि अपने कार्य। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब लेंगे, समय काफी कम है, बताएंगे जी। मैं इसलिए छोड़ा हूँ, मैं भाजपा को देख चुका, 15 साल में कुछ नहीं किया, वही हालत आज कांग्रेस भी कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में छोड़ा हूँ। केलो परियोजना एक बड़ी परियोजना है जिले की, 965 करोड़ की योजना अब तक पूरी नहीं हुई है, नहरों का निर्माण नहीं हुआ है, क्यों इस ओर प्रयास नहीं हो रहे हैं? राम के पास बोलूंगा। विधायक जी से सवाल ले रहे जी, क्यों केलो परियोजना को लेकर काम नहीं हो रहा है? जिले की सबसे बड़ी परियोजना है, 23,000 हेक्टेयर पर सिंचाई का दावा किया जाता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 7,000 हेक्टेयर तक पानी पहुँच रहा है। हमारे योगी कार्यकाल में केलो परियोजना शुरू हुई थी, उसका शिलान्यास हुआ था, 15 साल इनकी सरकार रही, 15 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। हमारी सरकार आई तो हमने उस पर काम शुरू किया और इस दिसंबर 23 तक किलो परियोजना पूरी हो गई, समय सीमा हमने लिमिट तय की है। बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस भगवान श्री राम के भरोसे वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताके मति पहले हर लेना, ये पंद्रह साल तक राज किए और 15 सीट में सीमित गए, मतलब जनता इनको सबक सिखा दी कि कितने विकास पुरुष बनते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल के शासन में इन्हें 15 सीट में लाके खड़े कर दिया, उसके बाद भी ये लोग नहीं चेत रहे हैं। अभी रामायण महोत्सव कार्यक्रम हुआ, इनकी छाती फटे जा रही है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेसियों को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम कांग्रेस को श्री राम याद तो आए। चलिए चलिए जी, बताइए। केलो डैम को लेके जो विधायक जी बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को लेके, कांग्रेस ने योगी शासन काल में ही उसको उद्घाटन ही पत्थर नहीं लगाया, उससे पहले भी कांग्रेस ने 4 बार पत्थर लगाया, तो काम को स्टार्ट क्यों नहीं कर सके? काम स्टार्ट नहीं हो पाया, एक बड़े आरोप है। कुछ और एक सवाल और लेते हैं आपसे जी। देखिए, अभी कांग्रेस के कुछ मित्र ये कह रहे थे 15 साल कोई काम नहीं हुआ, आप रायगढ़ का नक्शा उठा के देखिए, रायगढ़ में पहले केलो नदी पे 1 पुल होता था, भाजपा के कार्यकाल में 5 पुल हो गए, रायगढ़ के चारों तरफ की सड़कें देखिए, रायगढ़ की सड़कें भाजपा शासन काल से पहले एक भी सड़क ऐसी जो 15 फुट छोड़ी हो, अब चाहे चक्रधर नगर हो, चाहे कोतरा रोड हो, चाहे जूट मिल हो, चाहे ढिमरापुर रोड हो, सारी सड़कों का छोड़कर रायगढ़ में हुआ। मेडिकल कॉलेज का निर्माण भाजपा सरकार के समय हुआ, केलो बांध का निर्माण भाजपा सरकार के समय हुआ, महानदी में सबसे लंबे पुल का निर्माण भाजपा सरकार के। चलिए, जाहिर तौर पर बड़े आरोप लग रहे हैं, विकास कार्य जो भी इस क्षेत्र में हुए बीजेपी कहती है कि पूर्व कार्यकाल की देन है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इन वादों को भुनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी कार्यकाल के जो कार्य उनको भुनाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर तौर पर रायगढ़ जिले में मुद्दों की कमी नहीं है, समस्याओं की कमी नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जन कारवा के संबंध से जो भी मुद्दे उठे हैं, उन मुद्दों को, उन समस्याओं का जल्द निराकरण होगा। तो फिलहाल जन कारवा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत,
नमस्कार।